रिसेंटली आई वेंट टू द थ्री इंटरव्यूज और वहां पर मुझे रिजेक्ट वाला स्टैम्प लग गया है। हाँ व्हाट्सअप, कैसे हो सभी? बढ़िया, मस्त, मजे में, घर पर ही होंगे। सुरक्षित रहो, घर पर ही रहो। टुडे इज 9th ऑफ मे एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन चिट चैट विद धीरज। एपिसोड नंबर में भी 10 ही होगा भाई साहब। इस वीडियो में कुछ सैड पार्ट की बात करेंगे जो रिसेंटली मेरे साथ हो रहा है, बुरे वक्त की बात करेंगे। प्रोसीडिंग फर्दर, आई वॉन्टेड टू गिव यू सम ब्रीफ अबाउट द स्टोरी। मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आई एम इन लास्ट ईयर ऑफ माई मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड आई एम लिविंग इन पुणे वाघोली। एक भाई है तुषार मोती वाले, जिसको आप पहचानते ही होंगे, भागेश्वर मंदिर के ब्लॉग्स में देखा होगा, बाकी बहुत सारे ब्लॉग्स में तुषार भाई है। ही इज फ्रॉम बेसिकली दुले। ही इज वॉन्टेड टू डू अ जॉब इन पुणे, मतलब बहुत सारे कंपनी पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, बट किसी कारणवश वो वहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता है। तो जब भी हम बात करते थे तो वो एक डिप्रेस वाला फील मुझे उससे आता था कि यार भाई, वो मुझे इस तरह से बोलता था कि यार धीरे सब जगह रिजेक्ट 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 ही हो रहा है, मेरे माथे पर रिजेक्ट लिख दे और ऐसा। और उस टाइम पर मैं सोचता था कि मेरी तुषार भाई जैसी हालत नहीं होंगी। पर तुषार भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो फिर भाई अभी की हालत मेरी ठीक आपके जैसी है। रिसेंटली आई वेंट टू द थ्री इंटरव्यूज और वहां पर मुझे रिजेक्ट वाला स्टैम्प लग गया है और अंदर से बहुत बेकार वाला फील आ रहा है यार कि मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। और मेरी इतनी ही है क्या, मतलब बुरा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। और सेम फील तुषार भाई को जब उस टाइम पर आता था, वैसा फील अभी मुझे आ रहा। तो यही सैड पार्ट चालू है। अभी तीनों में से एक इंटरव्यू की कहानी मैं आपको शेयर करूंगा। उससे पहले एक और बात बताना चाहूंगा, तीन इंटरव्यू मुझे किस तरह से मिले। लाइक मैंने तो बहुत सारे जगह पर अप्लाई किया है, लाइक 20 to 30, 40 प्लेस पर मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है एज अ वीडियो एडिटर। उनमें से मुझे तीन जगहों से रिस्पांस मिला था, दो मतलब पांच जगह से रिस्पांस मिला था। तीन में से तीन का इंटरव्यू मेरा हो चुका है, उसमें से एक की कहानी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, मैंने वहां पर अप्लाई किया। उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए, लाइक दे सेंट मी 2 to 3 वीडियोज। उनके लिए मुझे वीडियोज बनाने थे। सो आपने वो देखे भी होंगे, मैंने पिछले वाले वीडियो में वो वीडियो आपको दिखाए भी है। तो ऐसी बात हमारी करीब 1 month से चल रही थी और चलते चलते अभी परसों ही मेरा एक इंटरव्यू हुआ उनके साथ। और उस इंटरव्यू में बात कुछ ऐसी हुई भाई कि जो कम्युनिकेशन स्किल है मेरे अंदर कम है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इंग्लिश प्रॉपर नहीं भाई, इंग्लिश में मैं वीक हूँ, बात करने नहीं आती इंग्लिश में प्रॉपर। और ऊपर से वो यूएसए वाला एक्सेंट मेरे अंदर नहीं आता, लाइक वो जिस तरह से बात करते, पहले तो वो 80% बात समझ में आ रही थी और मैं मेरा आउटपुट वहाँ पर 100% दे नहीं पाया। और इसका रिजल्ट ये निकला कि मैं वहाँ से रिजेक्ट हो गया। बहुत ही बुरा लगा, लाइक मैंने 1 month से ये उम्मीद माइंड में डाली थी कि इस जगह तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। लाइक उन्होंने मेरे से 5 से 6 वीडियो उन्होंने करके लिए, लाइक एज अ सैंपल करके, बट एट द एंड वहाँ पर मैं रिजेक्ट हुआ। और आप में से अगर कोई वीडियो एडिटर मुझे देख रहा होगा तो आपकी भी ऐसी में भी कहानी होगी। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो फिर मुझे इस बारे में ज़्यादा पता नहीं, पर अभी फिलहाल वर्क फ्रॉम होम के लिए यही काम कर सकते हैं। तो आपके भी आप ओपिनियन नीचे बताइए। आगे हमारी रुआ, यही एक जरिया है हमारा अभी हैप्पीनेस का। हाय हाय सांग सगळ्यांना, हाय, हेलो, हेलो, बाय, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करून द्या, लाइक कमेंट करून द्या, नोटिफिकेशन पण दाबून द्या, नोटिफिकेशन भी दाबून द्या, बेल आयकॉन पण दाबा, बेल आयडी पण दाबा। बाय बाय फॉर दिस वीडियो गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरे पास और भी 2 chances है, उसके लिए नीचे बेस्ट लक दे दीजिएगा नीचे कमेंट में। और भाई
कम्युनिकेशन इंप्रूव करने वाला हूँ मैं, कुछ भी हो जाए बहुत कुछ करना है। आपकी भी अगर कुछ ऐसी स्टोरी होगी तो नीचे बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये तो बाय बाय करूँ देगा द लास्ट। बाय बाय मना।